नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वायर और आपके साथ मैं हूं महक। खबर शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब देश की जनता सब जान गई है, जनता ये अच्छे से जान गई है कि ये गोदी मीडिया कैसे उनका बेवकूफ बनाती है, कैसे ये गोदी पत्रकार दिन रात सिर्फ नफरत फैलाते हैं। जनता ये जान गई है कि गोदी मीडिया उनको असल मुद्दों से भटकाकर उनका ध्यान किसी दूसरी लगा देती है। तभी तो जनता अब इन गोदी पत्रकारों को धक्का देकर बाहर निकाल रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि कैसे रिपब्लिक भारत के पत्रकार को धक्का मार के बाहर निकाला गया। ये हालत हो गई है इन गोदी पत्रकारों की। चलिए पहले आप भी ये वीडियो देखिए। ये रिपोर्टर साहब सवाल करते हैं, लेकिन ये रिपोर्टर साहब शायद ही भूल गए कि वो किस चैनल से हैं। ये उसी चैनल के रिपोर्टर साहब हैं जहां अर्णव गोस्वामी खबर दिखाने की बजाय नफरत फैलाते हैं। अब स्टूडियो में बैठे एंकरों की वजह से जनता का गुस्सा, जनता की नफरत इन रिपोर्टरों को झेलनी पड़ती है। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद लोगों ने भी गोदी मीडिया का काफी मजाक बनाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक यूजर है, नाम है सिकंदर। ये लिखते हैं, देखिए किस तरह रिपब्लिक भारत के पत्रकार को धक्का मारकर बाहर निकाला गया, मजा आया हो तो आरटी जरूर करें। एक और यूजर है विनीता जैन, ये लिखती हैं, गोदी मीडिया की इज्जत का फालूदा बना दिया, रिपब्लिक भारत के पत्रकार को जिस तरह धक्का मारकर बाहर निकाला गया। एक और यूजर है संतोष कुमार पांडे, ये लिखते हैं, गोदी मीडिया का बहिष्कार करो, कोई भी इनके न्यूज चैनल को ना देखे। एक और यूजर है राहुल सिंह, ये लिखते हैं, यही जरूरत है रिपब्लिक एवं और भी गोदी मीडिया को, कुछ दिन बाद जनता जूते से मारेगी इन लोगों को। दोस्तों, इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें रिपब्लिक भारत के ही एक और रिपोर्टर जो कि पटना गए हुए थे रिपोर्टिंग करने, जहां लोगों ने उनका भारी विरोध किया था। लोगों ने गोदी मीडिया के पत्रकार को देखते ही गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। ये है हाल इन गोदी पत्रकारों का। अगर ये लोग सही मायनों में पत्रकारिता करते तो शायद आज इन्हें ये दिन ना देखने पड़ते, लेकिन इन्हें अपने आका की तरफदारी करने से फुर्सत ही नहीं मिलती है तो ये पत्रकारिता क्या ही करेंगे। लेकिन जो जनता को ये बेवकूफ बनाते आए हैं, वो जनता अब सब कुछ जान गई है। दोस्तों, आप गोदी मीडिया को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इसी के साथ हमें भी दे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए, और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को भी लाइक जरूर करके जाइएगा।